इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन अब नहीं रहे। जेल प्रशासन ने की पुष्टि की। बता दें कि 21 अप्रैल को कोरोना संक्रमित होने के बाद इलाज के लिए दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उनकी मौत हो गई है। बताते चले कि शहाबुद्दीन की मौत की जानकारी आपको A1 न्यूज कुछ मिनटों में दिया था, लेकिन अब जेल प्रशासन ने भी मौत की पुष्टि कर दी है। हालांकि A1 न्यूज आपको एकदम सही जानकारी देता है, आप इस पर अपना भरोसा और प्यार इसी तरह बनाए रखें। A1 न्यूज अपने दर्शकों के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी इस दुख की घड़ी में शहाबुद्दीन के परिवार को संवेदना व्यक्त किए हैं। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको एकदम सही जानकारी समय समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए A1 न्यूज के साथ।